सबसे ज्यादा वाला क्या हम दोनों, बोलूं। नहीं, मेरे लिए तो मैं आप ही को बोलूंगा ना। शी इज लाइक बैकबोन फॉर मी। मतलब हर सिचुएशन, हर टाइम पर, मतलब जब जब भी मैं थका हूँ, हारा हूँ, मुझे संभालने का सबसे बड़ा रोल इन्हीं का रहा है। हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप यू ऑल डूइंग गुड। और हाय हाय, क्या हवा चल रही है यार। मतलब गर्मी के मौसम में जो नेचुरल फ्रेश एयर की जो बात है ना, उसके आगे तो कूलर पंखे की सारी हवा फेल है। और अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। और आहा, चल थोड़ा सा आनंद ले लूँ क्योंकि अंदर गर्मी लगने लगी थी, क्योंकि वीडियो शूट कर रहे थे ना, तो फैन और कूलर सब ऑफ करके रखते हैं ताकि प्रॉपर आवाज वगैरह जाए। इस कदर की गर्मी हो रही है, इस कदर की गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। मतलब टेम्परेचर जो है 45+ जा रहा है भोपाल का। आप लोगों के शहर का क्या हाल है कमेंट करके बताइएगा। एंड एक और चीज़ जो कि आज की न्यूज़ में मुझे पता चला है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि कूलर पंखे से एकदम से निकल के आप डायरेक्ट एसी पे ना जाए। मतलब कूलर एसी से निकल के डायरेक्ट आप बाहर ना जाए, मतलब धूप ना लें, क्योंकि उसी से अभी क्या है ब्रेन स्ट्रोक के मामले थोड़े से बढ़ गए हैं। तो उस चीज़ का ख्याल रखें। कभी भी आपको अगर बाहर निकलना हो तो आप 5 मिनट पहले एसी या कूलर को ऑफ कर दें ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो, देन फिर आप लोग बाहर निकल सकते हैं। टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है, 12:24 है ना रात के, ठीक है। और अभी हम लोग फ्री हो रहे हैं कोलैबोरेशन के वीडियो शूट करके। ये देखिए, हे गाइस, और जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, हम लोग 5:30-6 बजे के आसपास रेडी होते हैं शूट करने के लिए। और उसके बाद जो शूट चलता रहता है तो कंटिन्यू 5-6 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं पता चलता ही नहीं चलता सच में। और इतनी लंबी देर तक, मतलब सच में इतना और रेगुलर हमारे आना बहुत मुश्किल हो जाता है सच। और हमारी वजह से घर में भी सभी लोगों का डिनर का भी टाइम जो है ना वो थोड़ा लेट हो काफी, जाता अभी तो थोड़ा ज्यादा वो चल रहा है। और फिर वैसे भी अभी हम है ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर, मतलब अभी जाके इतने समय बाद हमारी आईडी इस तरीके से हिट हो रही है, है। हाँ, तो बहुत सारी मेहनत का फल चांसेस। मिल रहा है भगवान की हाँ कृपा से, आप सभी लोगों को प्यार मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो क्यों ना जब ये टाइम है तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। तो वही हम लोगों का ये रहता है। पहले भी नहीं, ऐसा नहीं था, हाँ बहुत पहले भी ये मेहनत था कि हम करते थे लोग हम, बहुत मेहनत करते थे, पर उसका उस टाइम की मेहनत का मतलब रिजल्ट कि जो है ये वो है कि अब मिल अभी रहा है। काम ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ब्लॉगिंग भी करना है, ऑफिस का काम भी करना है, देन उसके बाद जितने भी कोलैबोरेशंस रहते हैं। अभी तो सारा खैर 2 दिन कुछ से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो इतने सारे मतलब कोलैबोरेशन के ना गट्ठे हो गए हैं अभी फिलहाल करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि नहीं अब जाके डेली कुछ। 5-6 5-6 प्रोडक्ट्स रोज आते हैं। और सच में टाइमली, मतलब हमें ये पर्सनली लगता है कि अगर कोई आपके लिए पहुंचा रहा है तो आपको उस काम को टाइम से टाइम करके से देना है करना ना। अगर हम है। टाइम हाँ के बाद करेंगे तो उसका फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो सारी चीजें सोच कर, मैनेज कर कर हमें ये लगता है कि नहीं यार, करना चाहिए। सच में, और अच्छा भी लगता है काम करना, बिजी रहना, मतलब हम लोगों के लिए ये है कि अपने काम करते रहो, बिजी रहो पूरा टाइम, फालतू के दिमाग में बातें भी नहीं आती हैं अब बिजी बिजी और टाइम जाता है तो बिजी। इससे अच्छा हाँ कोई उससे अच्छा कुछ बात ही भी नहीं। नहीं है गाइस, मतलब हम लोग आपके लिए भी बोलेंगे, अगर आप घर पे बैठते हैं ना तो खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, मजा आता है। जितना ज्यादा बिजी रहेंगे तो उसमें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, मतलब कुछ कि ना कुछ हम क्वालिटी आपके अंदर आएगी। मतलब सच बताए ना, तो जैसे कि पूरा टाइम जाता है ना ऐसे, इवन जब कभी ऐसा समय होता है कि जैसे अभी मैंने बताया ना कि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब जब लेटना हो रहा था ना कि हाँ थोड़ा रेस्ट कर लो, सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा रेस्ट करो तबीयत ठीक लगेगी, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अगर हम लेटे हैं ना तो स्क्रॉलिंग करने की बजाय ना मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, मतलब अगर मैं फोन भी चला रही हूँ ना तो उसमें ऐसा कुछ देखूंगी जिससे मुझे कुछ चीज सीखने को मिले, भले ही वो हमारे जॉब से रिलेटेड ही क्यों ना हो, हमारे काम से रिलेटेड क्यों ना हो, मतलब उससे रिलेटेड ही सीखती हूँ क्योंकि नई नई चीजें करना अच्छा लगता है तो ऐसा आप लोगों को भी करना चाहिए, मतलब टाइम पास की जगह थोड़ा सा अगर हम इस चीज में दें तो अच्छा है। हाथ दुखने लगा सच में, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यार अंदर आने का सच में। मतलब अभी अंदर आके बैठ बाहर गए थे। इतनी हाँ, अच्छी हवा लग रही ना, शानदार वाइब थोड़ी है। देर ये कर लेते हैं, फिर चलते हैं, चेंज भी करना है, नहाना है, फिर उसके बाद शमसी है ये हवाए सनम,
आओ जरा पास आए सनम। आए हाय आंख मार रहा है लाइट हमें देखकर सामने से। ठंडा पानी लाए क्या पीछे से? हाँ यही देखिए बॉटल बैठ के साइड में। हाँ मतलब इस टाइम पर इतना सुकून लगता है क्योंकि क्या है अंडा कंस्ट्रक्शन मोड में है कॉलोनी, तो पूरा यहाँ पर क्या है स्लैब वगैरह डलने का है, यहाँ पर प्लास्टर वगैरह होने का है सामने साइड, तो दिन भर साउंड नॉइस आता रहता है। तो वो टाइम हम लोगों का ना ऑफिस वर्क रहता है तो हम लोग उससे में मैनेज कर लेते हैं, बाकी जो शूटिंग टाइम रहता है ना वो 5-6 बजे के बाद का हम रखते हैं ताकि आराम से 11-12 बजे तक शूट करते रहें। कई सूट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें प्रॉपर धूप में करना होता है, बिकॉज सनलाइट में ना करने का एक अलग यार सनलाइट की बात एक अलग ही, तो कई बार ऐसे भी करना पड़ता है। तो इतना रेडी होने के बाद जब धूप में निकलते हैं ना तो आहा मतलब धूप में निकलते हैं तो पसीना जो है ना खतरनाक तरीके से बहने लग जाता है। क्या कौन सा गाना? धूप में निकलो फिर ऐसे साड़ी उठा के बस ऐसे बस वो ही मुझसे निकलता है जेठ की दोपहर पे दापाओ चले सैया पाओ। यार ये सॉन्ग अच्छा कल बनाऊंगी मैं धूप में इस गाने गाने में सच में बिना चप्पल के जाओ धूप में आहा मतलब कितनी पूरा फील हो रहा है मुझे देखो। इतने मेंस भी बनते हैं ना कि इसको जेठ का महीना क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी लड़कियां सारी लेडीज से घूंघट ओढ़ कर निकलती हैं बाहर इसलिए, और जेठ के सामने घूंघट लेना पड़ता है। हाँ। हाँ। लड़कों का कोई टेंशन नहीं है यार ना घूंघट ना कुछ। हाँ, ये बात है। हेलमेट लगाओ कपड़ा बांधो चल दो। ये तो पता है जब से मतलब मेरी शादी हुई थी तो शादी में ही मम्मी और ये दोनों मिलकर मुझे पहले ही तो सूट वगैरह दिला दिए थे। मतलब मेरी शादी में जब ओली परीक्षा का सामान आता है ना ओली वाला सामान आता है परीक्षा का लड़कों को जाता है ओली। जब ओली का सामान आता है ना रोका करते हैं जब तो मुझे साड़ियाँ तो आई ही थी मतलब 21 साड़ीज थी तो 21 सूट थे उस समय पे है ना खूब तो, सारे सूट लिए थे 21 सूट और 21 साड़ी मुझे ओली में आई थी और ऐसे ही शादी में भी 21 सूट और 21 साड़ियाँ आई थी तो और जीन्स टॉप वगैरह सब कुछ कलेक्शन में था मतलब उस समय पे सारा शादी के पहले ही इन्होंने मुझे जीन्स टॉप वगैरह भी सब कुछ दिला दिया था वेस्टर्न ड्रेस मतलब बोले कि नहीं साड़ी सूट तो पहनना है जो भी मन करे पहनो लेकिन जीन्स टॉप वगैरह पहनना छोड़ना मत। मतलब मैं अभी भी नो डाउट साड़ी तो बहुत अच्छी ही ड्रेस है उससे उसकी बात ही एक अलग हो जाती है, बट मुझे इन्हें पर्सनली ना वेस्टर्न ड्रेसेस में देखना ज़्यादा पसंद है तो मैं अक्सर कोशिश यही करता हूँ कि हम लोग जब भी शॉपिंग पे जाएं तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी ड्रेसेस या अच्छे टॉप वगैरह कुछ ऐसा लें, क्योंकि साड़ियाँ तो वैसे भी अब बहुत सारी आने लगी है कोलेब्रेशंस वगैरह में भी आने लगी है, बट जो वेस्टर्न ड्रेसेस की बात रहती है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मतलब मैं अपना ओपिनियन मुझे इनके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं इनको ये बोलता हूँ कि हम लोग कहीं घूमने जाएं या कभी भी कहीं पे भी ऐसा मतलब हमारी सोलो ट्रिप कपल ट्रिप है तो आप ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस ही रखिएगा, क्योंकि देखिए एक तो क्या होता है ना कि उसमें जगह भी कम लगती है, दूसरी चीज़ है कि जितने में हम एक साड़ी रखेंगे उतने में 3-4 ड्रेसेस आ जाती हैं और घर में पहनने के लिए ना मतलब लोअर टी शर्ट और ये मतलब जैसे कॉट सेट हो गया वन पीसेस वगैरह इससे अच्छा कुछ ड्रेस नहीं कुछ होता नहीं मतलब लोअर टी शर्ट तो बेस्ट वन पीस भी ऐसे वाले जो अभी मतलब चलते हैं ना थोड़े लूज से और वैसे वाले तो उसको पहने रहो मतलब नाइट में भी मैं वही पहन के सोती हूँ। और हम लोगों का लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा है जब हम लोग वृंदावन गए थे तो फर्स्ट डे गए तो इन्होंने साड़ी वेयर करी थी, मैंने कुर्ता पजामा, इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था और नेक्स्ट डे गए हैं तो लोअर टी शर्ट पहन के इतना कंफर्टेबल लगा है, इतना फ्रीली घूमे है ना। बहुत कमेंट किया कि एटलीस्ट मंदिर वाली जगह पे तो साड़ी पहन के, तो गाइस मैं 2 दिन वृंदावन गई हूँ ना 2 दिन लगातार तो एक दिन प्रॉपर पूरा रेडी होकर, जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो लोग तो जानते ही होंगे और जो लोगों ने नहीं देखा है देखो वापस जाके देखना, और 2 दिन हम लगातार गए थे वृंदावन तो फर्स्ट डे में पूरा मतलब रेडी हो गया मतलब हमें भी एक प्रॉपर मतलब कि हमें ऐसे रेडी होके वृंदावन पहुंचना है तो हम लोग पूरा वैसा ड्रेस्ड अप होकर गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद गर्मी में ये हाल हुआ ना कि जब दूसरे दिन हमें जाना हुआ कि हम फिर से जा रहे हैं ट्रिप में तो इन्होंने कहा कि नहीं लोअर टी शर्ट पहन के चलो, लोअर टी शर्ट और फ्रीली चलो, ज्यादा से ज्यादा एक चुनरी रखनी कि हाँ मंदिर में जाएंगे तो बस सर ढकने के लिए हो जाएगा बस।
और लोअर टी शर्ट में ना इतना कंफर्टेबल होकर, मतलब फ्री होकर हम लोग घूमे हैं सब जगह, और बहुत रिलैक्स लगता है, मतलब उसमें थकान नहीं लगती है कुछ। ट्रेन का भी कोई भरोसा नहीं होता कि नीचे सीट मिल रही है कि ऊपर, तो साड़ी पहन के ऊपर बैठना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लड़कियां समझ सकती है इस चीज को। तो तब से हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अगर हम लोग कहीं पर भी घूमने जाए ना, अब चाहे वो मतलब ऐसा प्लेस हो जहाँ पर लोअर टी शर्ट अलाउ हो सकते हैं, जैसे कि अभी उज्जैन महाकालेश्वर में सिर्फ साड़ी ही अलाउ है और सूट अलाउ है, लोअर टी शर्ट नहीं है। तो ऐसी जगह पर फिर वो वेयर करना ठीक है, बट ऐसी जगह जहाँ पर हम वेयर कर सकते हैं तो वहाँ पर ना लोअर टी शर्ट बेस्ट। देन उसके बाद वहाँ पहुँच गए हैं, हाँ होटल वगैरह में अगर आपको मंदिर जाना तो होटल वगैरह में रुक के वहाँ साड़ी पहन लो थोड़ी देर के लिए, मंदिर होकर आ जाओ और वापस जो वहाँ से वापस आओ तो वापस अपने अवतार में हो जाओ। तभी मतलब अभी अभी क्या जो इसलिए और निकल रहा है ये सारी चीज़ों मुझसे, क्योंकि अभी हम लोग वैसे भी रेडी हैं, मतलब रात में 1 बज रहे हैं और हम लोग अभी इस तरीके से रेडी खड़े हैं। मैंने तो बहुत कुछ निकाल दिया, ईयर रिंग वगैरह तो मैंने निकाल के ही रख दिया, अब जाएंगे तो नहाएंगे ये डेडिकेशन है हम लोगों का हमारे काम के लिए। तो सुबह तो ऑफिस का काम देखना पड़ता है तो बस एक इवनिंग टाइम मिलता है, तो इवनिंग में जितना ज्यादा, इसलिए हम लोग क्या है थोड़ा सा लेट सोते हैं और लेट थोड़ा जागते हैं, क्योंकि क्या नींद होना भी जरूरी है, दिन में हम लोग सो नहीं पाते। हालांकि हाँ, हम लोग लेट उठते भी है तो घर पे कोई कुछ बोलता नहीं, बोलता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि हम काम में ही टाइम जाता है हमारा, फालतू किसी चीज में टाइम नहीं जाता है। सच में दो दो ढाई ढाई भी बज जाते हैं, हम लोग अपने काम को डिले नहीं करते, दूसरे दिन के लिए ढाई ढाई बजे तक लगातार शूट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं ना उसमें थोड़ा पंक्चुअल रहिए, टाइम दीजिए, और फिर जो आप चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं वैसा हो ही जाता है, बस भगवान पे विश्वास होना चाहिए। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है हमें, चाहे वो YouTube में हो चाहे वो Instagram में हो, मतलब ये टाइम हमारे लिए बहुत टाइम बाद आया। आई नो आप बहुत ज़्यादा ऊँचे उसमें नहीं है हम, लेकिन हाँ जितने में भी हैं ना तो वो टाइम देखने के लिए हमारी आगे तरफ गई थी। yes, बहुत बहुत समय दिया है गाइज, हमने इस चीज़ के लिए बहुत समय दिया है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन वही है ना कि जो लड़ते हैं वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। हमारा तो ये था कि हमें इस चीज में करना तो करना है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड थी कि हमारे फैमिली में हमारे रिलेशन में दूर दूर तक कोई भी इस फील्ड में नहीं था, बिल्कुल लेटेस्ट फील्ड थी। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में था ना ही कोई यूट्यूब में था। इनफैक्ट मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिनका मेरे पास आज भी कमेंट आता है कि यार मतलब तुमने बहुत डिफरेंट फील्ड चूज करे है, बहुत मतलब प्राउड फील होता है यार तुम लोगों को देखकर यहाँ पर। तो बस हारे नहीं हम लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे पहचान के में, रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में, कि हाँ मतलब हम वापस उस चीज को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आ गए, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी आ गए, बट हम मतलब हमारे पूरे खानदान में ना पहले ही शख्स थे ऐसे, और अब और बहुत स्ट्रगल किया इस चीज को लेकर के, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हमें बना बनाया प्लेटफॉर्म नहीं मिला, टिकटॉक पे भी बहुत मेहनत करते थे उस टाइम पर, जो था जैसा फ़ोन था जो हम कर सकते थे, फिर भी हमने बेस्ट से बेस्ट स्टोरी वीडियोस दिए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन किया है, तब जाकर कहीं हमारी 3 मिलियन प्लस फैमिली थी। और इंस्टाग्राम पे थोड़ा बाद में आए, बट इस चीज़ की खुशी है कि जो उस टाइम पर हमें पसंद करते थे, फॉलो करते थे, वो लोग आज वो वापस आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं। जब मैसेजेस आता है, डीएम आता है ना, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि अरे आप लोगों की रील वायरल हो रही थी, उसमें हमने आपको देखा, फिर हमने आपको फॉलो किया, आप लोग मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें हमारा आईडी नेम दूसरा था और यहाँ पे दूसरा है, तो मतलब बहुत सारे लोग दूर दूर के थक गए थे। वो तो मतलब हमने क्या हुआ था ना कि बस ऐसे ही अचानक से ही मेरा मन हुआ तो वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया था बनाना, पर उसमें लोगों का इतना प्यार मिल जाएगा ये हमने नहीं सोचा था, फिर आज हमें ये लगता है। और आज वही टाइम वापस आ रहा है ना कि जब लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, इतनी वीडियोस वायरल जा रही हैं, भर भर के कमेंट आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, हमारी कॉलोनी में अभी हम शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ हमारी फैमिली रहती है यहाँ पर, अभी बाकी किसी को भी पोजीशन नहीं मिला है, सबका है, अगर नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तक जाएगा धीरे धीरे करके, वो अगस्त सितंबर तक काफ़ी लोग आ जाएंगे। बट हम अपनी कॉलोनी से बाहर निकलते हैं ना तो सब मतलब बोलते हैं
आपके वीडियोस देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपके वीडियोस देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे इधर इतना... आने के बाद इतनी ज्यादा वीडियोस वायरल हुई है ना कि मतलब जितने ने लोग नहीं जानते थे उतने ही लोग हमारे आसपास के लोग जाते हैं, और अब मिलते हैं ना एज अ फैन तो वो फीलिंग्स इतनी ज्यादा अलग हो जाती है ना, सच में बहुत अच्छा लगता। वो हम बयां ही नहीं कर सकते यार, अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं काफी समय से और उसका रिजल्ट आपको आपके मन के मुताबिक मिलने लग जाए तो इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं हो सकती। और सच में ये तो ब्लेसिंग्स है श्याम बाबा की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जब से वो हमारे घर में प्रवेश किए हैं, जब से हम हमारे घर मतलब हमने हमारा घर फाइनल किया है, तब से उनकी एक अलग ही कृपा हुई है। फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा श्याम बाबा की ब्लेसिंग्स के बाद, मतलब फैमिली हमारी हम क्या बताएं, मतलब बहुत सारे काम संभाल लेते हैं तब जाके हम ये चीज कर पाते हैं। सच तो... बात है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप लोग ये चीज कैसे कर पाते हैं, तो सच बात है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। एंड हमें इतना आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी का भी रहा है तो फैमिली का रहा है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें भी बहुत कुछ बोलने की कोशिश करी पर ये रहा कि उन्होंने कभी भी हमारा सपोर्ट करने से हिचकिचाए नहीं, पीछे नहीं हटे। तभी आज का दिन है कि जो लोग उन्हें बोलते थे आज वही लोग फोन करके और बोल रहे हैं कि यार तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने जहां देखो वहां उनके वीडियोस आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग। तो वही है कि समय जब बदलता है ना तो लोगों की भावनाएं भी बदल जाती है। तो इतना सारी चीजें, मतलब आज हमारे बताने का मोटो ये था कि मेहनत अगर करता है इंसान ना तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, मतलब कभी ना कभी तो मेहनत भी फिदा हो जाती है, अपने आप पे किस्मत फिदा हो जाती है कि यार बहुत मेहनत कर रही है लोग, चलो अब इनके पास चले। है ना। सही है। तो जो लोग भी है और मेहनत को तो हमने ऐसे वहां फैलाकर मेहनत का इस तरीके से हमने मेहनत इतनी ज्यादा की है तो अब जब किस्मत बदलेगी तो उसको तो वहां फैला के अपन ऐसे ऐसे करके हक करेंगे और मेहनत को और ज्यादा बढ़ा देंगे। और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा सपोर्ट ना हम लोगों का ही एक दूसरे को रहा है, सबसे ज्यादा वाला हम दोनों। मेरे लिए तो मैं आप ही को बोलूंगा ना, शी इज लाइक बैकबोन फॉर मी, मतलब हर सिचुएशन हर टाइम पर, मतलब जब भी मैं थका हूँ हारा हूँ मुझे संभालने का सबसे बड़ा रोल इन्हीं का रहा है। लास्ट यू ही थोड़ी शादी करके लाए आप, लास्ट हैव यू इन माय लाइफ एज माय वाइफ। अपने पसंद से शादी करके लाए, ऐसे ही थोड़ी लेके आ गए। प्राउड तो होना है अपने पसंद, प्राउड तो होना ही है यार, साबित करना है ना कि अपनी पसंद को। और बताए हमारा वो वाला वीडियो ना एकदम अभी 70 लाख से ऊपर पहुंच गया, मतलब 7.5 मिलियन आई थिंक आज थे, 7-8 मिलियन है ना, 9 मिलियन कौन सा वाला? वो वाला नहीं, अच्छा, ये अपना वाला, वो अपना वाला वीडियो मतलब वो भी अपना हर उस घर में, हर उस घर में मिठाई बिठाऊंगा जिसने मेरे हीरे को कांच समझने की कोशिश की है। तो आज नहीं तो कल पहुंचेगी, और ये वैसे एक तरीके की मिठाई ही जा रही है जो हमारी सफलता जा रही है, मतलब ये एक तरीके की मिठाई है, लोगों का मुंह मीठा ही हो रहा होगा ना यार, खुश तो हो ही रहे होंगे, खुश हो रहे हैं, रो रहे होंगे, बट कोई नहीं, कीप इट अप गाइस, आप जलन बरकरार रखो, हम जलवे जारी रखते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा जो दिल से सपोर्ट कर रहे हैं हर टाइम हर मोमेंट पे, वीडियोस व्लॉग्स में जो दिल से एकदम भर भर के कमेंट कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा। आप लोग यूं ही कमेंट बरकरार रखिए, प्यार देते रहिए, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं ना कि आप लोगों को मजा आएगी और हमें भी मजा आएगी। ओके, इतनी सारी जो हमें मतलब चीजें मिली है जो हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं उसमें बहुत 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 बड़ा रोल आप लोगों का है, बिकॉज आप लोग ही हैं जो हमें यहाँ से ना यहाँ पहुँचाते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही साथ रहना। ओके, गुड नाइट, जय माता दी, जय श्री श्याम।